आपने कहा सारे राम भक्तों ने ये किया, हमारी जो बहनें उनको छेड़ा, तो वो मैंने कहा आपने ये नहीं, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये किया। मोहल्ले किसी के नहीं होते, मोहल्ले सबके होते हैं। कोई मुस्लिम मोहल्ला नहीं है, कोई और मोहल्ला नहीं है, मोहल्ले तो सबके हैं। मैं आपको इसी बात का उत्तर, कोई कहीं जाए, लोकतंत्र है इस देश में। सोसाइटी में घुस गए, जी जी जी, हाँ हिस्ट्री हिस्ट्री में क्या है, जमीन की कमी थी तब, क्या है मुगल जमीन की कमी थी वारिस भाई, सबका एक ही काम था, तलवार की नोक के ऊपर काम करते थे, तब संविधान कहा था, नहीं तो संविधान, तो जमीन की तो कमी नहीं थी ना। हाय एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता बयान देता है तो गोदी मीडिया और बीजेपी पार्टी उसको राम विरोधी और देश विरोधी बताने में लग जाती है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर चल रही थी, तब वारिस पठान ने मेरा भयंदर में जो विवाद हुआ उस पर सवाल किया, तब गोदी मीडिया का गुल्लू और गौरव भाटिया सवाल को इधर उधर भटकाने लगे। देखिए आप लोग, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जब राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो समन्वय बनाने की आवश्यकता है, समझदारी भरे बयान आने चाहिए। मैं असद ओवैसी साहब के बयान को आपको कोट करके बता रहा हूं कि हमारे जिस दिन माँ बाप मरे वो तारीख हम भूल जाएंगे क्या? भड़काने की आवश्यकता क्या है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं, भड़काने वाली बात नहीं, हकीकत बताया उन्होंने। असद साहब ने यह कहा कि जो विपक्ष पार्टी हर चीज की बात कर रही है, 6 दिसंबर को क्यों याद नहीं कर रहे? 6 दिसंबर जो हमारी नजर में काला दिन है डेमोक्रेसी, जो हिस्ट्री की थी, इंडिया में हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया और अब राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। कल मोदी जी ने काफी वहां पे भाषण भी दिया। मैं पूछना चाहूंगा अमीश देवगन जी कि क्या मोदी जी जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और कल जो भाषण दिया उसका कि कोई भी सुनता है क्या? आपको मैं बात बताऊंगा, महाराष्ट्र के अंदर मीरा रोड की जो मुंबई से सिर्फ 1 घंटे के रास्ते के ऊपर है, यही राम भक्त क्या किए, सब लोग 300-400 बाइक लेके आ गए, मुसलमानों की कॉलोनियों के अंदर घुस गए, जय श्री राम के नारे लगाए, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, उनको छेड़ा। आपका वर्जन है से मुसलमान आए, लेकिन 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 वहां पर पुलिस ने कार्रवाई करी है, एफआईआर रजिस्टर हुई है, बुलडोजर चले हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बुलडोजर किस पे चले है? जिसने गलती करी होगी वहां चले होंगे, कोर्ट तय करेगा, मैं तो तय नहीं कर सकता। अभी पता चलेगा गौरव भाटिया की सरकार है महाराष्ट्र में। एक सेकंड, वारिस मेरे को फोन करके बोले, वारिस भाई ये गलत कर रहे हैं ये लोग, कुछ लोग ये हमारे समाज में भी है, तुम्हारे समाज में भी है, जो गए थे वहाँ पे मोटरसाइकिल पे, जिसने जो नारेबाजी किया में वहाँ पे लड़े, और आज पुलिस ने आके आज वहाँ पे मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया। मेरा निवेदन है भाषा का इस्तेमाल ना हो कार्यक्रम के अंदर। क्या आप तो बता रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बात कर रहा हूँ, पुलिस को प्रॉपर से बिल्कुल, क्योंकि जो भी बात सही है। वारिस भाई को एक बात समझनी होगी, ये जो भड़काना है लड़ाना है ना, ये बंद करो, अब जहर उगलना बंद करो। इसलिए कह रहा हूं, आपने कहा सारे राम भक्तों ने ये किया, हमारी जो बहनें उनको छेड़ा, अरे आतंकवादी का तो तुम धर ढूंढते हो। कुछ लोगों ने कहा, अगर कोई अपराधी है तो वो, मैंने कहा आपने ये नहीं, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये किया। नहीं अमीर जी, ये गलत बात है, इनको शांत कराइए, बस हवा निकल गई। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपराधी का धर्म नहीं होता है, किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा भी होगी और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ओएसी का ये कह देना जो उन्होंने आज कहा है, 6 दिसंबर के दिन को हम इसलिए नहीं भूल पाएंगे, जैसे तुम्हारे बाप या माँ की मौत को भूल सकते हो क्या? तो मैं कहना चाहता हूं, किसी का बाप और किसी की माँ अगर गलत करे और वो दूसरों के मंदिरों को तोड़े, अगर वो गाली दे, भ्रष्टाचार करे, तो भैया ऐसी माँ और बाप को तुम तो याद करोगे, लेकिन जो मोहल्ला होगा वो कहेगा कि ठीक ही हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, ओएसी जी क्यों नहीं मानते हैं? क्या कोई बताएगा मुझे? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया वो तो आस्था की बुनियाद पे आया। सर्वोच्च न्यायालय ने तो उसमें भी ये भी कहा कि जो मस्जिद को डिमोल क्रिमिनल एक्ट था, तो उसमें बीजेपी नहीं गई अपील के अंदर, फिर से सजा नहीं कराई। सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी कहा कि वहां पे कोई टेंपल नहीं था, कोई प्रमाण नहीं मिले कि टेंपल को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अब मेरा टर्न है अमीश भाई, इनको बंद कर रहा है, इनको रुकाइए अमीश भाई। गौरव रुकाइए, मैं कैसा खामोशी से सुन रहा था, और गौरव भाटिया आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि सब लोग ऐसे हैं, हर समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं। आपने कहा इतना बड़ा दिन था हमारे भाइयों के लिए, इतने बड़े दिन आप मोटरसाइकिल लेके जाओगे,
वहां पर जहां पर एक भी नॉन मुस्लिम नहीं है, मुसलमानों को जाओगे बस्ती में नारे लगाओगे, कुछ महिलाओं को छेड़ोगे, उसके बाद महाराष्ट्र में पुलिस आपकी, सरकार आपकी, आए क्या बुलडोजर से उनकी दुकानों को तोड़ दोगे? ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का न्याय है? आप अगर मारेंगे तो कोई सामने जाके सवाल भी नहीं करेगा क्या? सवाल करने के ऊपर सजा हमको है और वहां पे कुछ नहीं, उत्तर का न्याय है? मोहल्ले किसी के नहीं होते, मोहल्ले किसी नहीं के नहीं होते, मोहल्ले सबके होते हैं। कोई मुस्लिम मोहल्ला नहीं है, कोई और मोहल्ला नहीं है, मोहल्ले तो सबके हैं। मैं आपको इसी बात का उत्तर, कोई कहीं जाए, लोकतंत्र है इस देश में, सोसाइटी में घुस गए। जी जी जी, मिल्लत नगर का सोसाइटी के गेट में चले गए मोहल्लों वाला, लेकिन अब ये युग नहीं है वो मोहल्लों वाला, अब ये युग है सर्वधर्म वाला, इसमें कोई किसी का मोहल्ला नहीं है। आप कहां के ज्ञानी बाबा? ये है मोहल्ला और हो हल्ला वाले, और हम हैं, पूरा देश हमारा है। और क्यों कहता हूं, इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा। याद करिए, तमिलनाडु सरकार ने जो प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट होना था उस पर रोक लगाई थी। पालू में सर्वोच्च न्यायालय ने करारा थप्पड़ मारा स्टालिन को, और क्या कहा उन्होंने, कहा मुस्लिम रहते हो या हिंदू रहते हो किसी मोहल्ले में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा देश सब नागरिकों का है। और यही बात यहां लागू होती है, अगर एक भी हिंदू ना रहे मोहल्ले में तो भी हिंदू को हक है, सिख को हक है कि वो उस मोहल्ले में जा सके जहां पे मुसलमान रहते हैं। ये जो सोच है ना तुम्हारी कि मुसलमान रहते हैं इसके हिंदू नहीं आ सकता है, छेड़ने के लिए गए थे, संविधान के विपरीत है, के लिए गए थे, और बैरिस्टर हुए ऐसे से कहना छेड़ने के लिए गए, एक सेकंड, वो छेड़ने के लिए गए थे, वो तो कानून तय करेगा ना, वो तो पुलिस तय करेगी, वो तो प्रशासन तय करेगा, वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन लेकिन वो छेड़ने के लिए गए थे, लेकिन मोहल्ला तो आपने एक तरफा बना दिया कि वो मोहल्ले ही मुसलमानों का था, वहां उनको जाने की जरूरत क्या थी? अरे पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था जी, ये हर घर में थे, उनके चले गए अंदर, शर्म आनी चाहिए। रात को कोई जाता है किसी के घर पे, आपके घर पे कोई आएगा, आपके घर पे कोई आ जाएगा रात को, आप क्या करेंगे अमित भाई? समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, संविधान की बात कर रहे, संविधान को लोग मानते क्या? संविधान को लोग धज्जी उड़ाते, संविधान डेमोक्रेसी का है तो लोग कत्ल करते। और मैंने तो ये सवाल, हमने जो किया है वो तो हमने तमाम से ऊपर सेक्युलर पार्टियों से किया है कि आप सब बात करते हो, कसमें खाते हो, अल्लाह की कसम कराते हो, आप बताओ 6 दिसंबर की बात आप क्यों नहीं करते? 6 दिसंबर तो काला दिन था, हम तो बोलते हैं डेमोक्रेसी के अंदर भारत देश की, जहां पे हमारी धोखे से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, उसके बाद में भी वहां पे आपने भव्य राम मंदिर बनाया। अमीश भाई सिंपल सवाल ये, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उस दिन अगर हमारी मस्जिद खड़ी होती तो आज क्या होता ऑर्डर? आपको हमको सबको मालूम है, आज ऑर्डर ही टोटल डिफरेंट होता, क्योंकि आस्था की बुनियाद के ऊपर ऑर्डर दिया गया। तो हम ये नहीं बोलते कि नहीं मानते, पूरे देश ने माना, लेकिन हम तो ये भी बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम बट नॉट अनफेलेबल। हमने ये कहा ना कि भाई वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोल दिया कि क्रिमिनल एक्ट, इतिहास की गांठ अगर खुल रही है वारिस भाई, अपील क्यों फाइल नहीं जी? वारिस भाई, वारिस भाई, वारिस अगर इतिहास की गांठ खुल रही है तो खोल देनी चाहिए। वारिस पठान, वारिस पठान, एएसआई के जो सबमिशन, एक सेकंड, इतिहास की गांठ खुल रही है तो उसको खोल देना चाहिए, और एक गांठ खुल गई है इसे खोल देना चाहिए, उस गांठ को गांठ बनाए नहीं रखना चाहिए। ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा आपको निवेदन है। और सोचिए, सोचिए औरंगजेब के टाइम पर, एक सेकंड, एक सेकंड, बाबर और औरंगजेब के टाइम पर आपने बोला वहां बाबरी मस्जिद थी, काशी विश्वनाथ के पास एक मस्जिद है, कोई जमीन की तो कमी नहीं थी ना, सब रामलला, कृष्ण लला और काशी विश्वनाथ, उन सब मंदिरों के पास ही मस्जिदें बनी हुई हैं, तब तो कोई जमीन की कमी नहीं थी ना, जमीन तो थी ना तब, जमीन तो खुली थी, सब सब मस्जिदें ही चढ़ी हुई हैं मंदिरों के ऊपर, कुछ तो इतिहास होगा ना अमीश भाई, सब तो हिस्ट्री सुनो, हिस्ट्री हिस्ट्री में क्या है, जमीन की कमी थी तब क्या, चाहे मुगल रूलर हो, चाहे जमीन की कमी थी वारिस भाई, सबका एक ही काम था, तलवार की नोक के ऊपर काम करते थे, तब संविधान कहाँ था? नहीं, आज तो संविधान, तो जमीन की तो कमी नहीं थी ना, अब तो हमारे संविधान पे चल रहा है, कानून पे चल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।